Subscribe and press the bell icon for latest update. बीजेपी ने पिछले साल जिस कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता से अखिलेश यादव को बेदखल करके काबिज हुई, अब वही सीएम योगी आदित्यनाथ के गले की फांस बनता जा रहा है। सूबे की राजधानी में लगातार डकैतियां हो रही हैं और योगी सरकार इसे नियंत्रण करने में पूरी असफल नजर आ रही है। ऐसे में प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को एनकाउंटर करने की खुली छूट दे दी है। सूबे में पिछले 10 महीनों में यूपी पुलिस और अपराधियों के बीच 921 एनकाउंटर हुए, जिसमें करीब 31 अपराधी मारे गए हैं, वहीं 196 घायल हुए। इसके अलावा 2214 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। यूपी पुलिस की ऑपरेशन क्लीन मुहिम के बावजूद सूबे की कानून व्यवस्था सुधरी नहीं है। पिछले एक सप्ताह में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हर रोज डकैती हो रही है और पुलिस इसे रोक पाने में पूरी तरह से असफल नजर आ रही है। इतना ही नहीं, पुलिस एक भी डकैत को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरना शुरू कर दिया है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।